फ्रेंड ये दिखने में एक छोटा सा किट है पर इसकी कार्यप्रणाली बहुत बड़ी है। इस किट को ऑटोकट या थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली फ्रेंड थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को मोटर में होने वाली खतरनाक ओवरहीटिंग के कारण मोटर को जलने से रोकने के लिए डिजाइन यानी बनाया गया है। तो फ्रेंड मोटर ओवरहीटिंग आमतौर पर तब होता है जब मोटर ओवरलोड होती है। तो सबसे पहले वीडियो में जानेंगे कि मोटर ओवरलोड क्यों होती है, प्लस ओवरलोड से जो ओवरहीटिंग होती है इसी ओवरहीटिंग से ये किट कैसे मोटर को जलने से रोकती है, और तो और मोटर को ओवरहीटिंग के कारण जलने से रोकने के लिए इस किट को कैसे और कहां लगाएंगे, यानी मोटर को जलने से रोकने के लिए थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को मोटर में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड बने रहिए वीडियो के साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ऑटोकट किस प्रकार मोटर को जलने से रोकती है, फिर इसकी कनेक्शंस मोटर के साथ करके दिखाएंगे। फ्रेंड ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर है जिसे आप अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं। इस ऑटोकट को हमने एक बल्ब के साथ लगाए हुए हैं जिसे हमने एक वायर को डायरेक्ट बल्ब होल्डर के साथ और दूसरा वायर को इसी किट के एक लूप के साथ कनेक्ट करते हुए किट के दूसरे लूप को बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। मान लीजिए यह बल्ब मेरा मोटर है और यह मोटर में लगने वाला ऑटोकट है। तो यह ऑटोकट किस प्रकार मोटर को जलने से रोकता है आपको दिखाएंगे। इस किट के ऊपर हमने वायर टेप को लगाए हुए हैं ताकि हीट करते समय ये किट सुरक्षित रहे। अब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो देखिए फ्रेंड ऑटोकट से करंट फ्लो होकर बल्ब जल रहा है। अब हम इसे हीट करेंगे तो ये हीट होने पर बल्ब को जलने से बंद कर देगा। एक्चुअली फ्रेंड ऑटोकट इसी प्रकार से मोटर को ओवरहीटिंग होने के कारण जलने से रोक देती है। फ्रेंड जब हमने थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को हीट किया तो ये हीट होने के कारण करंट को फ्लो होने से रोक दिया। करंट का प्रवाह वायर से ना होने के कारण बल्ब बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब मोटर ओवरहीट होगा तो ये किट करंट की प्रवाह को रोक देगा जिससे मोटर बंद हो जाएगा और मोटर जलने से बच जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर किस प्रकार कार्य करता है प्लस किस प्रकार ओवरहीटिंग होने से मोटर को जलने से रोकता है उसे दिखाना था। आशा करते हैं कि इस वीडियो से थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर की कार्यप्रणाली को समझ गए होंगे। हमने नेक्स्ट वीडियो में ऑटोकट का कनेक्शन मोटर के लूप वायर के साथ किस प्रकार से करना है उसे दिखाए हैं। आपको ये वीडियो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक से मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।